So many climate activists and environmentalists came in to join today's seminar. How was that, and how did it went? देखिए, हमारा अरुणाचल प्रदेश के लिए यह बहुत एजुकेटिव था. अभी जो हमारा एक्सपर्ट ने जो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, सीएम साहब ने अपना सोशल मीडिया का द्वारा गोटा इंडिया को हाँ वो मैसेज भेज दिया है. तो अरुणाचल का प्रदेश का पर्सपेक्टिव में हमारे लिए बहुत एजुकेटिव था, जानकारी था. वो जानकारी हासिल किया, मैं भी था उस स्टेज में. अरुणाचल प्रदेश का पर्सपेक्टिव में हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, मैंने भी बोला. आप लोग सुना उसके बारे में? देख, सुना कि नहीं सुना? तो इसीलिए हम लोग सब मिल के वी हैव बीन लिविंग विद नेचर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, है कि नहीं है? तो नेचर का साथ हमारा ट्राइबल सोसाइटी जोड़ा हुआ है, अभी भी नेचर का साथ हम जोड़े रहेगा और हमारा एनवायरमेंट को बचाएगा. मैं जब ये मसूरी गया रहा, मसूरी में इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव द्वारा एक वहाँ में सेमिनार हुआ रहा, उसमें मैंने बहुत ज़ोरदार बोला है कि 15 फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट है, डिवोल्यूशन है, इट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एरिया, इट शुड बी बेस्ड ऑन फॉरेस्ट कवरेज. तो उसमें मैडम निर्मला सीतारामन भी थे और हमारा 15 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन भी थे, उन लोग ने सुना और वाकई में डिवोल्यूशन हमारा 7% से 3% होके 10% होगा फॉरेस्ट कवरेज में. हमारा फॉरेस्ट कवरेज अभी हाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवरेज है हमारा, है कि नहीं है? तो और बायोडाइवर्सिटी, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, इसको बचा के रखना है और हमको इसमें एक अवेयरनेस भी लाना है. हमारा इतना, हमारा जितना भी पानी है, पानी का जो मछली है, मछली ख़त्म हो रहा है. अब वहाँ में इलेक्ट्रिक करंट दे के, डायनामाइट दे के मछली सब ख़त्म हो रहा है. तो फिशिंग है, इलीगल फिशिंग जो है, हंटिंग है, हमारे जितना भी एडिबल प्लांट है, हमारा एडिबल प्लांट को कमर्शियलाइज करके अभी बिग ट्रक ट्रक ले जाके पासीघाट से हो या नामसाई से हो, जो पुठिल एरिया है, असम में जाके बिक्री होता है. क्यों पर कमर्शियल में जाना है? जो खाने लिए लायक है अपना के, वो खाना है, बाहर में बिक्री नहीं करना है. फॉरेस्ट बचाना है हमको. हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से अल्पाइन जोन तक हमारा 500 क्लाइमेटिक जोन एरिया है, कितना रिच है हम, इसको बचा के रखना है. आज का दिन यही है हमारा मंत्र के लिए. पाके डिक्लेरेशन जो हम 2047 में हम जो मंत्र लेके आ रहा है, उसको वी विल इम्प्लीमेंट इन लेटर इन स्पिरिट. हमारा सरकार प्रतिबद्ध है कि पाके 2047 को आज ने आप हमारा जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट है, CCF है, उन्होंने भी पाके डिक्लेरेशन का बारे में बोला, मैंने भी जो बोला कि हम पंचधारा का द्वारा हम पाके डिक्लेरेशन को जो एक जो मॉडल बना रहा है, वो सारे इंडिया के लिए ही एक अच्छा मॉडल होगा फॉर क्लाइमेट चेंज, for protection of our environment. So one of the, as you also stated, that Arunachal is one of the richest biodiversity, right? And one of the environmentalists also stated ki ek representative hone zaruri hai northeast mein to represent our culture, biodiversity in the global platform. So will you be pondering upon that as well? What do you say? Yeah, we can send representations from our side also. Definitely. They should. देखिए, आवर सो रिच बायोडाइवर्सिटी भी है, एट द सेम टाइम सो रिच कल्चरल डाइवर्सिटी भी है. तो कल्चरल डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी गोज टुगेदर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. हाँ, वी आर द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी, वी आर द रिचेस्ट कल्चरल डाइवर्सिटी ऑल्सो. इसको जिंदा रखना है और इसको जिंदा रखने के लिए अगर एक्सपर्ट कहीं से भी ले आना होगा, थिंक टैंक कहीं से भी लेना होगा, हम जरूर लेंगे. सर, सेमिनार में एक रिसोर्स पर्सन, एक लेडी ने कहा था कि बस पेपर में ही होता है ये एंड डेलिब्रेशन एंड ऑल, लाइक एक्शन में कब लाएगा ये? इसीलिए मैंने हमेशा कहा है, ये बात आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, मैंने हमेशा कहा है कि सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, सिर्फ वर्कशॉप में सिर्फ आके डिलीवरी देने से नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंटेशन होना होगा, देखना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन होता है. हम है पॉलिसी मेकर, हम पॉलिसी कर देता है, कौन करेगा इसको इम्प्लीमेंटेशन?
those who are at the helm of FS to implement. I had that today also. I said, I am a policy maker. I am not an expert. But I can facilitate it. I will facilitate it definitely. लेकिन इनको implementation के जो भी है हमारा जो officers है उनको काम करना है. अभी days of transparency, days of practical है कि नहीं है. Nothing is can be hide. So आज जो बोला है वो हम करना भी होगा. नहीं करने से लोग बोलेगा कि सिर्फ सेमिनार होता है, काम तो होता नहीं है. इसीलिए मैंने बोला है कि कल हमारा मीटिंग भी होना है. कल हमारा जो बजट के लिए एक मीटिंग होना है, मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट से इनपुट लेगा ताकि हम बजट में इंक्लूड कर सकें. तो हमारा 2047 का भी है. अच्छा बजट होगा, सुंदर बजट होगा, बहुत अच्छा होगा. हाँ सर, आपने कहा है सर, जैसे कि वेस्ट कमिंग में आ गया, आपने जैसे कहा या एप्पल प्रोडक्शन का जो आपने बताया था सर, फार्म का जो प्रोग्रेस के बारे में, तो जो शेरगांव का फार्म में सर 1977 लगभग तब से आज तक चलता हुआ आ रहा है सर, तो आपने जैसे उसमें क्लाइमेट फैक्टर बताया सर कि वहाँ का. नहीं, मेरा पर्सनल एक अभिज्ञता था कि मैंने उस समय गया रहा 2014 में, मैं धीरंग में गया रहा, तो एक पहाड़ में चारा एक नया एप्पल ऑर्चर्ड, वो दे वर डूइंग द न्यू एप्पल ऑर्चर्ड देयर. सो आई आस्क्ड देम व्हाई यू आर डूइंग हियर, तो उन्होंने बोला है कि हमारा एप्पल ऑर्चर्ड उस पहाड़ में था, उस पहाड़ से अभी हम डिक्लाइन हो गया, तो यहाँ लाया. क्या है डिक्लाइन का कोज? ग्लोबल वार्मिंग. उन्होंने बोला ग्लोबल वार्मिंग के लिए वहाँ डिक्लाइन हो गया. सर, क्योंकि एप्पल के लिए चिल्ड जो हवा है ना, जो 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 हाँ फ्रेश एयर जो है वो चाहिए, वो नहीं है उस पहाड़ में, इसलिए है. तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए. सर, इट्स क्वाइट अप्रिशिएटिव फॉर द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद क्लाइमेट कंसर्न सॉल्यूशन, राइट? सो व्हाट अबाउट द अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल दैट इज हैपनिंग अराउंड, जैसे कि दरिया हिल में 34 इयर्स का बाद स्नोफॉल? ग्लोबल वार्मिंग के लिए हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग मतलब कुछ रिसर्च कर रहा है अभी, अब सियांग में हो रहा है, सियांग में सियांग नदी मडी वाटर आ रहा है. वो तो एक्सपर्ट ने बोल ही दिया है, वहाँ में देखिए वाटर एक्यूमुलेट होके, हाँ, फिर एवलेंस होके नीचे में गिर गया है, लैंडस्लाइड होके. हाँ, वाटर एक्यूमुलेट होने से तो उनका एक वेट होता है, वो वेट कुड नॉट होल्ड बाय द माउंटेन्स. सो वो एवलेंस होके नीचे गिर आया. कामेंग रिवर में वैसा हुआ. तो ये सब नहीं होने के लिए ही हमको क्लाइमेट को बचा के रखा. लास्ट ईयर बजट वाज स्पेशली फोकस फॉर एजुकेशन, सो दिस टाइम सर किसके लिए होगा बजट? अगर आप एलोकेशन ज़्यादा किस हमारा बजट हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा.